नमस्कार, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। ये है प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। ये जो हम लोग संसद सदस्यों के विशेषाधिकार करेंगे, यही सेम टू सेम राज्य विधानमंडलों या स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी हैं। आर्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल्स अगर हम लोग संसद सदस्यों के विशेषाधिकार करेंगे तो ये आ जाएगा आर्टिकल 105, और अगर हम लोग राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर्स के सदस्यों के विशेषाधिकार हम लोग करते हैं प्रिविलेजेस, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 194। दो तरीके के इन्हें प्रिविलेजेस दिए गए हैं, टू टाइप्स में। फर्स्ट हमारा आ जाता है व्यक्तिगत, पर्सनल। सेकंड हमारा आ जाता है कलेक्टिव। जब हम लोग व्यक्तिगत की बात करते हैं तो ये चार हम जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें राइट है। फर्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो संसद सदस्य है, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, इन्हें संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, और संसद में या संसद की किसी समिति में भी जो भी भाषण देते हैं, जो भी बात कहते हैं, उनके लिए इनमें इन पर कोर्ट में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद का अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये केवल सिविल केसेस में है। क्रिमिनल केसेस में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इनके अरेस्ट जो इनको किया जाता है उसकी सूचना तुरंत सदन का जो अध्यक्ष होता है उसको दी जानी आवश्यक है। अगर उस सदन की कोई कार्यवाही चल रही है, अगर सदन के क्षेत्र से या जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके लिए पहले सदन के अध्यक्ष की परमिशन लेना जरूरी है। थर्ड आ जाता है फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज अ विटनेस। कोई भी न्यायालय है, इन्हें एज अ विटनेस अपने यहाँ पे प्रस्तुत होने के लिए इन्हें फोर्स नहीं कर सकता है, तो इन्हें फ्रीडम है इस बात की, फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज अ विटनेस कोर्ट में प्रस्तुत होने से। और फोर्थ आ जाता है न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच का कोई भी अधिकार नहीं है। तो पहला आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकंड फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, संसद का अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सिविल केसेस में, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तुरंत उसकी सूचना सदन के अध्यक्ष को दी जानी आवश्यक है, और सदन में से अगर इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए सदन के अध्यक्ष की परमिशन जरूरी है। इन्हें न्यायालय में एज अ विटनेस प्रेजेंट होने के लिए, अटेंडेंस के लिए इन्हें फ्रीडम है, इन्हें बातें नहीं किया जा सकता है। और लास्ट आ जाता है न्यायालय है उन्हें संसद की कार्यवाही जो प्रोसीडिंग्स जो वहाँ पर प्रोसीजर जो हो रही है उसकी जाँच का अधिकार नहीं है। सामूहिक अधिकार हम लोग देख लेते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस। जो कोई भी सदन है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो स्टेट लेजिस्लेचर का, उसे राइट है कि वो अपने यहाँ पे जो कार्यवाही की जा रही है उसे वो पब्लिश करना चाहिए या ना पब्लिश करना चाहिए। दूसरा, उसे ये राइट है कि वो अपने यहाँ पे प्रेस दीर्घा और दर्शक दीर्घा है, जो भी ऑडियंस है, प्रेस है, उन्हें वो नियंत्रित कर सकती है, एनी टाइम इन्हें बाहर जाने के लिए कह सकती है। और थर्ड है सदन की अवमानना हेतु दंड। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है जो सदन की बात नहीं मान रही है, कंटिन्यू उनको कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सदन है उसे राइट रहता है कि वो उसके लिए उनको पनिशमेंट दे सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।